90% इंडियंस को बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना होता है, पर साला अपने देश में बच्चों को अपना सपना छोड़कर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना पड़ता है। पर कहीं ना कहीं वो क्रिकेटर हमारे अंदर आज भी जिंदा है, जिसको हम हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स में महसूस करते हैं। वैसे ये क्रिकेट को रिलीजन की तरह पूजना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, भगवान के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट है या नहीं वो तो ऊपर वाला ही जाने, पर इन क्रिकेटर्स के साथ तो जरूर है। नहीं तो सचिन के आउट होने पर हमारा दिल न टूटता, या फिर धोनी के छक्का मार के मैच जिताने पर हम ऐसे खुश ना होते जैसे लॉटरी जीती हो, और कोहली के उन मीठे मीठे शब्दों को सुनाया जाने पर हम भी उन शब्दों के साथ हो जाते। और यहाँ दादा ने शर्ट उतारी, वही हमने भी उतारी। इंडिया में मैच के दिन तो हम सब ने काम से छुट्टी, स्कूल या फिर कॉलेज से बंक तो जरूर मारा है, पर इंडिया के बाहर रहते हुए अपने इस पैशन को निभाने की कहानी ही कुछ और है। ये मास्टर्स के लिए यहाँ 7 समुंदर दूर आए हैं और कोहली के नंबर वन फैन भी हैं, पर यहाँ आकर असाइनमेंट करने में, एग्जाम्स की तैयारी में, फीस भरने में और पार्ट टाइम जॉब करके लोन चुकाने में फंसे रहते हैं। अब ऐसे ही वक्त हम इंडियंस को वो 4 चमत्कारी अक्षर याद आते हैं। इन साहब का किस्सा थोड़ा अलग है। इनकी स्टडीज पूरी हो चुकी हैं और अब ये जॉब कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स पैकेज खरीदने के पैसे हैं। पर ये बात हम भी जानते हैं कि जब लाइफ में टाइम होता है तो पैसा नहीं, और जब पैसा होता है तो टाइम नहीं। और अगर ये थोड़ा टाइम निकाल भी लें तो इनका मैनेजर इन पर आंखें गड़ाए रखता है। से हेलो टू मिस्टर शर्मा जी। यहाँ 10 साल रहने के बाद तो शर्मा जी ये सारे स्टेज क्रॉस कर चुके। रिजल्ट 60 इंच टीवी, होम थिएटर भी है, और अब ये पॉपकॉर्न लेके बैठ गए। और तभी मिसेस शर्मा की एंट्री, ये याद दिलाते हुए कि आज मिस्टर शर्मा को बेबी सिटिंग करनी है। बेचारे शर्मा जी, मरते क्या ना करते, क्योंकि आज मिसेस शर्मा की किटी पार्टी है और बच्चा पार्टी शर्मा जी की। लेकिन अगर घर गृहस्थी के बीच अगर 1 मिनट मिल भी जाए तो वो चांस हम नहीं छोड़ते। वो क्या है, एक इंडियन को इंडिया से निकाल सकते हो, बट एक इंडियन के मन से इंडिया कैसे निकालोगे, क्योंकि वी आर इंडियंस, हम क्रिकेट देखेंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर।